हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ है। आई एम बैक फॉर द नाइट स्टडी ऑफ आवर एसएससी सब्जेक्ट ज्योमेट्री। हम यहाँ 20 मिनट्स के लिए नाइट स्टडी करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट किया था और उसकी हमने 3 सम सॉल्व किए थे जो आपके सामने हैं। अब हम इसके आगे जाने की देखें आगे जाने के बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 7 सम्स है। 3 सम हम सॉल्व कर चुके हैं, थर्ड वाला सम थोड़ा ट्रिकी था। अब आगे देखते हैं टेक्सटबुक ने अपने अंदर क्या क्या ट्रिक्स छुपा कर रखे हैं। तो ये रहा हमारा फोर्थ सम आपके स्क्रीन पर। मैं फोर्थ सम पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिए और इसका जवाब निकालने के लिए सोचिए, समझिए। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, एरियाज पॉइंट नंबर 1, रेशियो ऑफ द एरियाज दिया है। पॉइंट नंबर 2, ट्राइंगल्स का बेस कॉमन है। हाइट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 3, हाइट ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल नोट कीजिए, लार्जर ट्राइंगल इसके बारे में इसका एक राज है लार्जर ट्राइंगल का, वो मैं आपको बताता हूँ जब सम सॉल्व करेंगे, आगे आएगा। देन फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, स्मॉलर ट्राइंगल का हाइट पूछा है। ओके, तो लिखते हैं अब हमारा जीवन जो कि है गिवन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 6/5, ये दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे क्या जादू हो गया, ट्राइंगल का नाम ही नहीं दिया और मैंने ट्राइंगल का नाम लिख दिया। तो एज्यूम कर लो ना दोस्तों, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ने बोला है बेस कॉमन है तो मैं बेस कॉमन बना देता हूँ। उसने बोला है एक ट्राइंगल बड़ा है और एक छोटा है तो एक ट्राइंगल को बड़ा बना दिया है, ए बी सी को बड़ा बना दिया और पी क्यू आर नहीं रख सकता मैं, सी बी डी रख सकता हूँ मैं क्योंकि बेस कॉमन है ना, सी बी डी बी सी को मैंने बेस बना दिया कॉमन। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात याद रखने के लिए कहा था, एक राज मैं बताने वाला था लार्जर ट्राइंगल पहचानने का। मैंने तो यहाँ लिख दिया ए बी सी को लार्जर ट्राइंगल और सी बी डी को छोटा ट्राइंगल बना तो दिया, लेकिन अब ए बी सी को लार्जर ट्राइंगल होने का प्रूफ क्या है। उसने बताया है रेशियो इज 6:5, 6:5, तो न्यू इधर 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो 6 वाला जो है बड़े ट्राइंगल का है और 5 जो है छोटे ट्राइंगल का है, 6 बड़े ट्राइंगल का है 5 छोटे ट्राइंगल का, 6 बड़ा है इसलिए 6 बड़े ट्राइंगल का एरिया हो सकता है और 5 छोटा है इसलिए 5 छोटे ट्राइंगल का हो सकता है। ऑब्वियसली इट इज़ अ लॉजिक कि बड़े ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा होगा, छोटे ट्राइंगल का एरिया कम होगा, तो 6 बड़े ट्राइंगल का एरिया है, 5 छोटे ट्राइंगल का एरिया है, इसलिए लार्जर ट्राइंगल को मैं ए बी सी कंसिडर कर रहा हूँ और छोटे ट्राइंगल को मैं सी बी डी कंसिडर कर रहा हूँ और इसी तरह इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो इसने हमें सबसे पहली चीज़ जो दी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी इज इक्वल टू 6/5। हाइट ऑफ लार्जर ट्राइंगल, हाइट क्या है लार्जर ट्राइंगल की, इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर। तो मैं हाइट निकालता हूँ बेस बी सी को एक्सटेंड करके और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड बना के, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट इज ऑलवेज, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ही हैज गिवन, इधर मैं नाम लिख देता हूँ एम और यहाँ पे मैं एक्सटेंड करके पी सी डी ट्राइंगल की हाइट का नाम देता हूँ मैं डी एन। तो ही हैज गिवन
ए एम इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड आस्क अस टू फाइंड बी एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स. क्या है कॉमन बेस के लिए क्या प्रॉपर्टी है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू. जब बेस कॉमन होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? रेशियो ऑफ हाइट्स एच वन अपॉन एच टू. ओके तो इसका हाइट क्या है ए बी सी का? ए एम. तो मैं लिखता हूँ यहाँ ए एम अपॉन सी बी डी का हाइट क्या है? डी एन. डी एन सी बी डी का हाइट मैंने डी एन लिखा जो कि है. अब ए बी सी अपॉन सी बी डी उसने दिया हुआ है तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सी सिक्स अपॉन फाइव. देयरफॉर सिक्स अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू ए एम की वैल्यू दिया है 9 अपॉन डी एन की वैल्यू फाइंड करनी है और रीज़न मैं लिखूँगा गिवन यही है हमारा जी वन. देयरफॉर अब क्रॉस मल्टीप्लाई की बारी आई तो डी एन यहाँ आ गया. डी एन के यहाँ आने की वजह से 6 को गुस्सा आ गया वो 9 के नीचे आ गया. डी एन की जगह ले ली उसने. फाइव तो बिना 6 के रह नहीं सकता इसलिए वो 6 के साथ ही चला गया ऊपर. कैसे हुआ? डी एन यहाँ आया 6 यहाँ आया फाइव यहाँ से यहाँ चला गया. डिवीजन में था वो इक्वल टू के राइट साइड में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि फाइव डिवीजन में था यहाँ आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. देयरफॉर डी एन इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 6. इसको हम कैंसिल कर सकते हैं किससे? कौन से टेबल से? 3 के टेबल से. 3 टू ज़ा 3 थ्री ज़ा 9 तो बचा 3 इंटू 5 15 अपॉन 2. 15 अपॉन 2 दिस इज आवर डी एन्स वैल्यू. अब 15 अपॉन 2 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 वन ज़ा 2 2 सेवन ज़ा 14 1 कैरी. डेसिमल पॉइंट यहाँ डाल देंगे तो यहाँ 1 के आगे 0 लग जाएगा तो 2 को 10 से कैंसिल कर देंगे तो 5 बचता है 7.5 2 5 ज़ा 10. देयरफॉर डी एन इज इक्वल्स टू डी एन इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर. दिस इज आवर आंसर. यहाँ आंसर को ऐसे नहीं लिखना समझ में नहीं आएगा उसको क्या है एग्जामिनर पागल होता है उसको आंसर अच्छे से बताना पड़ता है साला बेवकूफ. आंसर लिख के उसको बताना पड़ता है द कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अच्छे एकदम शुद्ध शब्दों में शुद्ध संस्कारी शब्दों में उसको आंसर लिख के देना पड़ता है ना तो सनक जाती है उसकी. स्मॉलर ट्राइंगल इज 7.5 सेंटीमीटर. पता नहीं अपने बचपन में उसने क्या किया था हमसे इतना काम करवा रहा. तो इसको एक अंडरलाइन मार देने का यहाँ पर दिखना मांगता है कि आंसर बच्चे ने लिखा है. आंसर राइट रहेगा तो यही पढ़ेगा ही नहीं वो चाहे इधर अंदर तुम गपला ही मार दो. सो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि हमको शौक नहीं लगेगा क्योंकि हम इसका आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन पढ़िए. इन द फिगर 1.11 अरे छोड़ो ना नंबर नहीं लिखता तो क्या फ़र्क पड़ता है. फिगर 1.11 छोड़ो फिगर को देखो फिगर सही है. सेगमेंट पी आर इज़ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी
सेगमेंट पी आर इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, सेगमेंट ए एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। साले कितने बी सी है साले बी सी। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज, इतने सारे बी सी देने के बाद रेशियोज फाइंड करने बोलते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एस, ए बी एस ये हमारा ट्राइंगल है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस सी, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए एस सी। थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर सी, ये ट्राइंगल पी आर सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू टी, बी क्यू टी, बी क्यू टी। फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू टी। ये सबको मैं आपको सेपरेटली ट्राइंगल बनाकर आपको सॉल्व करके बताता हूँ, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले हम हमारा जीवन लिख देते हैं, जो कि हमें है गीवन, हमारा जीवन। सेगमेंट पी आर इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, सेगमेंट ए एस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, सेगमेंट क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। सबके सब बी सी से परपेंडिकुलर है, सबके सब, कोई भी से धुला हुआ नहीं है, सबके सब परपेंडिकुलर बी सी के। सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। वापस देख ली, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, इसको मैं सेपरेटली बनाता हूँ, अब देखते जाइए मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। ये खड़ा हुआ इजिप्ट का पिरामिड ए बी सी, इसमें डाल दिया मैंने अपना पिरामिड पी बी सी। ये पी आर आया, आर आया पी आर, बी सी पे परपेंडिकुलर। ये पी एस आया बी सी पे परपेंडिकुलर, पहले दोनों बी सी पे परपेंडिकुलर। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, हाँ, इस ट्राइंगल में ए बी सी, इसका बेस है बी सी, क्यू ए एस बी सी के परपेंडिकुलर है, और हाइट हमेशा बेस के परपेंडिकुलर होता है। ए एस जब बी सी से परपेंडिकुलर है, मतलब बी सी इज द बेस। पी बी सी में पी आर इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब पी बी सी का भी बेस है बी सी। चला ए बी सी का भी बेस बी सी, पी बी सी का भी बेस बी सी, मतलब इसका रेशियो आएगा एच वन अपॉन एच टू, यानी कि पी आर, अब पी ए बी सी का हाइट ए एस, और पी बी आर का हाइट, पी बी सी का हाइट पी आर, ए एस अपॉन पी आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन पी आर। दिस इज योर आंसर। साला खोदा पहाड़ निकला चूहा। सारे पीस। क्वेश्चन नंबर टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस सी, ए बी सी, सी है क्या, एस है, एस है ना, अरे बोलो तो। ए बी एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एस सी, पहाड़ को मत देखो, पिरामिड को देखो कैसा बनाता। अब मैं ए बी सी बना दिया और एस ने दोनों में पार्टीशन डाल दिया। एक घर में एक बहू को लेके आओ तो पूरे घर में पार्टीशन डालने वाली काफ़ी है बहू। इसने
दोस्तों मेरी सुनो, प्यार के चक्कर में मत पड़ो, यही उम्र है, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। ट्रायंगल दिया है ABS और दूसरा ट्रायंगल दिया है ASC। देयरफॉर ABS इसमें इसका बेस है BS, ASC इसमें इसका बेस है SC, ABS का बेस है BS, ASC का बेस है SC। अब इस सब में दोनों के बेसिस अलग है तो क्या सेम है? AS ABS की हाइट है, ASC में AS ये इसकी भी हाइट है, AS इसकी भी हाइट है, AS इसकी भी हाइट है, साली बीच वाली है, यानी कि इसको निकाल दो, ये दोनों के बीच में दरार डालने वाली है, इसको निकाल दो जल्दी से, हटा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ASC, अगर तुमको इसको कैलकुलेट करना है तो इसको हटा दो, H नहीं लिखना, बेस ही लिखना, ABS का बेस था BS, ASC का बेस था SC, था क्या है, यही है तुम्हारा आंसर। क्या बोला था? खोदा पहाड़ निकला चूहा। थर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BQT। बाप रे, ऐसे सड़े सड़े नाम है, PRC DQT, और ऐसे भयानक भयानक स्ट्रक्चर में, भयानक पिक्चर में, पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन विजाइन बना के रखे ले, समझ में भी नहीं आता है, थोड़ा खुल्लम खुल्ला उसको निकाल के समझने की कोशिश करते हैं। उसने बताया PRC, तो PRC की शक्ल कुछ इस तरह से हमें दिखती है, PRC, ये है P, ये है R और ये है C, कुछ इसी तरह उसकी शक्ल दिख रही थी। और BQT ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है, QT यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ पर चले ऐसा, B नहीं, यहाँ पर Q है, यहाँ पे B है, यहाँ पे T है, ये कुछ इस तरह से हमें डिज़ाइन मिलता है, PRC अपॉन BQT। अब ये PRC का बेस है RC, BQT का बेस है BT, PRC का बेस है RC, BQT का बेस है BT, PRC की हाइट है PR, BQT की हाइट है QT, असल दोनों में कुछ मिलता ही नहीं है, कैलकुलेट करने के लिए सब लिखना पड़ेगा, किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्या करें, मजबूर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BQT PRC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल BQT इसी को, चलो मजबूर है, सब लिखना पड़ता है, क्या करें, ये PRC का हाइट बेस क्या है बता बता जरा, RC अपन क्या बताया था, B1 अपॉन B2, BQT का बेस क्या है BT इंटू H1 अपॉन H2, PRC का हाइट बता PR अपॉन BQT का हेड बता QT, हो गया सॉल्व, ये है हमारा आंसर, उसने वैल्यूज नहीं दिया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, बाप रे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज, लास्ट सॉल्व करते फिर दोस्तों सोने जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CQT, वाह इतना भयानक भयानक दिख रहा है, वाह शक्ल नाम भी भयानक है, शक्ल कैसी होगी, BPR और CQT, यार शक्ल थोड़ी प्यारी प्यारी है लेकिन दूर दूर है बेचारे, ये BPR ये प्यारी सी शक्ल बन गई BPR और ये बेचारा एक जन दूर है CQT, क्या करे इस बेचारा, ये तो बेचारा छोटा है, इसके इमोशंस क्या होंगे, इसके इमोशंस क्या होंगे। BPR का बेस है BR, CQT का बेस है, अरे हाँ यहाँ पर पंडित लिखना भूल गया मैं, CQT का बेस है CT,
इसका हाइट है पी आर, इसका हाइट है क्यू टी, क्यूट क्यू टी पाई। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू टी इज इक्वल्स टू बेस वन अपॉन बेस टू, बी पी आर का बेस बताओ बी आर, अपॉन सी क्यू टी का बेस बताओ पी सी, इन टू हाइट वन अपॉन हाइट टू, बी पी आर का बेस, बी पी आर का हाइट बताओ पी आर, अपॉन सी क्यू टी का हाइट बताओ क्यू टी। हो गया, दिस इज आवर सॉल्यूशन। आई होप तुमको समझ में आया हो। पहाड़ खोदने निकले थे, चूहा निकला है, ज़्यादा पहाड़ मत बनाओ, ठीक है। अब सोने जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट, फिट एम्स, टेक केयर।